वेलकम बैक टू अवर चैनल व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक 6 मरले का कॉर्नर हाउस। इसकी जो लोकेशन बनती है वो है जिना ब्लॉक बहरिया टाउन लाहौर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो व्यूअर्स, अभी मैं इसके कार पोश में खड़ा हूँ। कार पोश में आप देख सकते हैं एक सीडान कार इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती है। कार पोश के साथ ही यहाँ पे इसका पाउडर रूम बना हुआ है, पाउडर रूम आप देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही एक नीच बनी हुई है जिसमें फबी आई आला रबी कुमात का ज़िबान लिखा हुआ है। और इसकी अगर सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी फैंसी सीलिंग बनाई हुई है, इसमें SMG लाइट इंस्टॉल किए हुए हैं। और व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे भी देखें, इस साइड पे भी अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके, तो यहाँ पे भी टाइल्स और ये आर्टिफिशियल ग्रास का बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक डेकोरेशन बनाया हुआ है जो कि एक अट्रैक्टिव लुक दे रही है। और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं SMG लाइट लगी हुई है। तो व्यूअर्स, अभी हम आपको इस घर का अंदर से विज़िट करवाएँगे। अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके घर की फ़ीचर बता दूं। तो इस घर के नीचे फ्लोर पे एक रूम, एक टीवी लाउंज, एक किचन और एक ड्राइंग रूम है। और इसके फर्स्ट फ्लोर में दो रूम्स, एक टीवी लाउंज और एक किचन है। और उसके ऊपर जो फ्लोर पे एक सर्वर क्वार्टर भी बना हुआ है। तो व्यूअर्स, आए आपको अंदर से विज़िट करते हैं। घर में एंटर होते ही ये इसका टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज की अगर फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं बड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव टाइल्स इसमें लगी हुई हैं। इसके बिल्कुल फ्रंट पे ये मीडिया वॉल बना है, यहाँ पे लकड़ी और टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ग्लास भी लगे हुए हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे मीडिया वॉल बना हुआ है। अगर मैं इस साइड पर आपकी सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग्स में 2 फैंस और 1 फनूस इंस्टॉल है। और सीलिंग्स में भी डिज़ाइन किया हुआ है, वुड का भी काम किया गया हुआ है। और इसके बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे इसका किचन आता है। मैं आपको पहले किचन दिखाता हूँ, आ जाए। किचन के डोर यहाँ पे स्लैट डोर लगे हुए हैं, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो ईजिली आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर किचन की बात करूँ, किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और उसके अलमारियों में जो शीट्स लगी हुई हैं वो UV की बेहतरीन क्वालिटी की शीट्स लगी हुई हैं जो कि वाटरप्रूफ हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये उसका हुड लगा हुआ है, आप ऑटोमेटिक हुड लगा हुआ है, उसके नीचे एक बर्नर भी इंस्टॉल किया हुआ है। और मेरे इस साइड पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर खिड़की दी हुई है, और आप इसको वेंटिलेशन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। उसके साथ ही इसका एक और दरवाज़ा है, यहाँ से आप इसकी गैलरी को अटैच करती है ये दरवाज़ा जो है। और ये एक तरह से आप कह लें कि ये एक वॉशिंग एरिया भी, आप एज अ वॉशिंग एरिया इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए आपको मैं इसका फर्स्ट रूम दिखाता हूँ। टीवी लाउंज के साथ ही इसका ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की अगर हम फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव यहाँ पे टाइल लगे हुए हैं। और इसके एक वॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पे वॉलपेपर लगे हुए हैं। और यहाँ पे ड्राइंग रूम के एंट्रेंस के लिए 3 दरवाजे हैं, 2 टीवी लाउंज को टच करता है और 1 दरवाजा जो है वो बाहर से टच करता है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए 1 खिड़की इस तरफ दी गई है और दूसरी खिड़की आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बड़ी सी खिड़की दी हुई है। और अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। सीलिंग्स में लकड़ी का काम इस्तेमाल हुआ, लकड़ी का भी काम किया गया है। और इस सीलिंग में 1 फ्यूज़ और 2 पंखे भी इंस्टॉल है। तो व्यूअर्स, आइए हम आपको आपके साथ बैठूँ। इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, यहाँ पे भी बहुत ही अट्रैक्टिव टाइल्स लगाए हुए हैं। और बिल्कुल फ्लोर के सामने वेंटिलेशन के लिए यहाँ बड़ी खूबसूरत एक विंडो दी हुई है। उसके साथ ही इसके वार्डरोब्स हैं, अगर वार्डरोब्स की बात करें तो अच्छी खासी स्पेस में दी गई है। और इसके ऊपर UV के बहुत ही अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे शीट लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा आ गया तो ये इसका बेड बेडरूम का मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल में काफ़ी अच्छे क्वालिटी की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। और अगर मैं इसके बेड वॉल की बात करूँ तो बेड वॉल काफ़ी लग्जरी यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है। ग्लास का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, और जो इसकी बाउंड्रीज है वहाँ पे वॉलपेपर इस्तेमाल हुए हैं। उसके मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग्स में आप देख सकते हैं डिज़ाइन किया हुआ है सीलिंग्स में, और SMG लाइट्स और एक फैन इंस्टॉल है। अगर आपको दिखा मैं वॉशरूम भी इसके साथ विजिट करवा दूँ आपको। व्यूअर्स, ये इसकी देख लें आप, लग्जरी किस्म की इसकी वैनिटी बनाई हुई है। मिरर में लाइट, इलेक्ट्रॉनिक की लाइट ऑन ऑफ, यहाँ पे मॉडर्न एक डिज़ाइन है भैया यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सीलिंग्स में भी डिज़ाइन है। और वॉशरूम की मटेरियल्स की बात करूँ तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगे हुए हैं। इवन कि यहाँ के इस वॉशरूम के वॉल्स में भी टाइल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दी हुई है।
और शावर के लिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही सीलिंग्स में एक शावर आपका फिट किया होगा, बड़ा खूबसूरत एक आपको लुक दे रहा है। तो व्यूअर्स आइए, आपको मैं आप फर्स्ट फ्लोर आपको विजिट करवाता हूँ। तो ये इसके फर्स्ट फ्लोर का ये टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च की बात करें तो यहाँ पे भी सेम टाइल्स लगे हुए हैं, बेहतरीन क्वालिटी के और बहुत अट्रैक्टिव। ये इसका मीडिया वॉल में आप देख सकते हैं वॉल्स पेपर्स लगे हुए हैं अच्छे क्वालिटी का, और यहाँ पे मीडिया वॉल में देख सकते हैं लकड़ी का जो काम हुआ है अच्छे क्वालिटी का काम हुआ है, और इसमें भी SMG लाइट इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं इसकी सीलिंग्स की बात करूँ तो सीलिंग्स में भी डिज़ाइन किया हुआ है और एक फ़ैन इंस्टॉल है। तो टीवी लॉन्च के साथ इस साइड पर एक ओपन किचन दिया हुआ है। ओपन किचन दिखाने से पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी वॉल्स पेपर लगा के काफ़ी अच्छा खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो आइए आपको किचन देखो। तो ओपन किचन, ये इसका ओपन किचन है। ओपन किचन पे यहाँ पे देख ले मार्बल के इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और एक बर्नर और इसका एक हुड यहाँ पे पहले से ही उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और वार्डरोब जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुए हैं, और जो शीट है वो UV के बेहतरीन क्वालिटी के शीट लगे हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की दी गई है, और उसके ऊपर भी एक एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल है। सीलिंग्स की बात करें तो किचन के सीलिंग्स में भी डिज़ाइन किया हुआ है और एक फैन इंस्टॉल है। इसके किचन से निकलते ही ये इसके स्टेयर्स हैं जो कि आपके सर्वेंट क्वार्टर को टच करेगा, और इसके साथ ही यहाँ पे इसका एक बहुत ही खूबसूरत टेरेस दिया हुआ है, और टेरेस के नीचे भी ये टाइल्स लगे हुए हैं, और एक अच्छा सा आप रात शाम के टाइम यहाँ पे एक चाय पी सकते हैं फैमिली के साथ, एक अच्छा व्यू दे रहा है। तो मैं आपको दिखाएं फर्स्ट दिखाने जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट रूम इस साइड पे। ये इसके फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम है। अगर इस फर्स्ट फ्लोर की बात करें, फर्स्ट रूम की बात करें, यहाँ पे टाइल्स आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी के टाइल्स लगे हुए हैं काफ़ी अट्रैक्टिव वाइट कलर के, और इस साइड पे आप देख सकते हैं बेड वॉल की तरफ तो यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत ग्लास का काम हुआ है लकड़ी का, और इसके जो बाउंड्री हैं वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और हाई क्वालिटी के वॉल पेपर्स लगे हुए हैं, और दो फैंसी लाइट भी लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूं, सीलिंग्स में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, और इस घर के हर सीलिंग में लकड़ी का भी काम किया हुआ है, और एक फ़ैन भी इंस्टॉल है। और अगर मेरा पार्टनर आपको दिखा सके तो इसकी ये विंडो है, काफ़ी वाइड विंडो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है वेंटिलेशन के लिए, और इसके साथ इसके वार्डरोब लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मीडिया वॉल बनाया हुआ है, लकड़ी की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही, ये इसका आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छा काम इस घर में किया हुआ है, A+ कंस्ट्रक्शन इस घर की गई है। तो अभी मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम की आप देख सकते हैं इसकी वैनिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पर इसका मार्बल का काम किया गया है, शीशा फिर वही इलेक्ट्रॉनिक आपका जो टच सिस्टम है तो उस पर बेस उन्होंने लाइटिंग के साथ उन्हें यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। फिर यहाँ पे इसका ये देख सकते हैं टाइल्स वगैरह आप देख लें, काफ़ी अट्रैक्टिव टाइल लगे हुए हैं। शावर इसका मॉडर्न बहुत ही खूबसूरत शावर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। सीलिंग्स की बात करूँ तो सीलिंग्स में ही आपका एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, रॉयल का इस पे यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक विंडो भी है जो कि वेंटिलेशन के लिए आपके काम आएगी। तो व्यूअर्स आइए, अब आपको मैं आपको दूसरा रूम जो है वो विजिट करवाता हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर, इस घर के फर्स्ट फ्लोर का सेकंड रूम है। सेकंड रूम की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे एक शेल्फ बनाया गया है, उसमें शीशा भी आप मिरर भी फिक्स किया हुआ है लकड़ी की, बड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का लकड़ी यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके सामने इसका ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्यू भी ले सकते हैं। इसमें छोटी सी एक गैलरी भी बनी हुई है जहाँ पे आप पौधे वगैरह अपने रख सकते हैं। और इस साइड पे अगर मैं बेड वॉल की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, और वहाँ पे दो फैंसी लाइट भी यहाँ पे इंस्टॉल है। और सीलिंग की बात करूँ तो इस रूम में भी सीलिंग्स में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, और सीलिंग में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने दिया, और एक फ़ैन भी स्टील में इंस्टॉल है। तो आइए व्यूअर्स आपको वॉशरूम विजिट करवाते हैं इसका। ये इसका वॉशरूम में, इस रूम के जो वार्डरोब्स हैं वो इस वॉशरूम में ही इंस्टॉल किए हैं उन्होंने, और ये इसका वैनिटी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और लग्जरी एक लुक दे रहा है। मिरर भी यहाँ पे इंस्टॉल है, और इस साइड पे आप देख सकते हैं इसका शावर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत शावर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अगर सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग्स में भी बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, SMG लाइट इस्तेमाल हुए हैं, और इसमें भी रॉयल का एग्जॉस्ट यहाँ पे
सीलिंग्स में ही फिक्स है और एक विंडो भी दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तो दोस्तों, इस घर की जो डिमांड है वो है 2,10,00,000 रुपये। तो अभी अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और जल्द अज जल्द अपने घर का ख्वाब पूरा करें। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।